देखिए, सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है वर्तमान में, और ये प्रयास रहता है पुलिस कर्मियों का और सभी जो शुभचिंतक हैं कि कोई भी वाहन चलाते समय दुर्घटनाग्रस्त ना हो। और दो पहिया वाहन का आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, बहुत सारे लोग दो पहिया वाहन चलाते हैं, तो ये संदेश देने का प्रयास है कि हेलमेट पहन के वाहन चलाया जाए, क्योंकि आप देखते हैं कि जो दुर्घटनाएं होती हैं सड़क की, तो उसमें 90% से ज़्यादा जो मृत्यु होती हैं दुर्घटना से, वो हेड इंजुरी से होती है, सर की चोट से होती है। तो यही संदेश है कि अगर हेलमेट पहन के वाहन चलाएंगे तो काफ़ी हद तक हम इन गंभीर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। इस रैली में सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पार्टिसिपेट किया, हमारे सभी महिला सहकर्मियों ने भी पार्टिसिपेट किया, और ये संदेश दिया है कि सभी जो लोग हैं, चाहे महिलाएं हों पुरुष हों, वो सभी को हेलमेट पहन के वाहन चलाना चाहिए, और जिससे दुर्घटना कम से कम होंगी, ये संदेश हमने पूरे शहर में दिया। देखिए, सभी अपने कॉलेज डेज में, स्कूल समय में वाहन चलाते हैं, दो पहिया वाहन चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो वही पुरानी यादें ताज़ा हुई हैं हेलमेट पहन के वाहन चलाने की। सभी हमारे जितने अधिकारी, उनने सभी ने दो पहिया वाहन चलाए हैं, और ज़रूरत पड़ने पे सभी दो पहिया वाहन या चार पहिया वाहन चला भी सकते हैं, सभी लाइसेंस होल्डर हैं, सभी को ट्रेनिंग दी गई है वाहन चलाने की, तो ये एक पार्ट भी है पुलिसिंग का। थैंक यू सर।